खबर आई है रायबरेली उत्तर प्रदेश है। स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के गृह जनपद रायबरेली में किसानों को मुफ्त लहसुन के बीज दिए जा रहे, बीज पाकर किसानों के चेहरे खिल उठे। वही बता दें कि सुनहरा बीज मार्केट में 200 से लेकर तकरीबन 300 तक बिक रहा ये लहसुन, मगर उद्यान विभाग के किसानों को मुफ्त सरकार बीज दे रही है। कृषि अधिकारियों ने कहा है कि लोगों को किसानों को मुफ्त में लहसुन, मिर्च और प्याज के बीज उपलब्ध करवा रहे, जो कि लक्ष्य है कि सापेक्ष करीबन 1000 किसानों को हम लहसुन और मिर्च प्याज के बीज उपलब्ध करवा सके। वहीं कृषि अधिकारी जय राम वर्मा ने बताया है कि इस वक्त जो किसान हैं, ज़्यादातर किसान लहसुन के बीज की डिमांड कर रहे, और सभी किसानों से निवेदन है कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराए, उसके बाद अगर उन्हें दिक्कत आती है तो अपने सभी दस्तावेज के साथ कृषि विभाग आए और उन्हें उपलब्ध कराए। क्या नाम है भैया? हर्ष कुमार पांडे। आज कहाँ आए हैं आप? जिला उद्यान। क्या लेने आए थे? मिली जी? हाँ। कोई पैसा वैसा तो नहीं पड़ा? निःशुल्क मिला। लहसुन महंगा है अब की बार? अब की बार महंगा है, इसलिए सभी की सरकार जो है लहसुन का बीज उपलब्ध करा है किसानों को, जो हम लोग बुवाई करके और अच्छी पैदावार करेंगे। देवता दिन। कहाँ से आए हो? मैं क्या लेने आए हो यहाँ पे? मिला? हाँ, मिलने जा रहा है कागज। ये है कागज, तुमको देने जा रहा हूँ। दादा क्या नाम है? सुरेंद्र हाथों से। कहाँ के रहने वाले हैं? ये विकास खंडी बरुआ निवासी खान जहाँपुर। क्या लेने आए थे यहाँ पे? लहसुन सर। कितना लहसुन मिला? 5 किलो मिला। लहसुन महंगा है? हाँ सर। प्रदेश सरकार कुछ पैसा वैसा पड़ा इसका? नहीं सर, निःशुल्क के लिए। निःशुल्क? हाँ, कोई पैसा नहीं, वो हिसाब जो कागज पत्र अलग चीज़ें उसे काम लगता। पैसा नहीं पड़ा? ना ना सर, ये पैसे नहीं दिए। क्या नाम है तुम्हारा? राम। कहाँ के रहने वाले हो? जराला। आज कहाँ पे आए थे आप? उद्यान। क्या लेने आए थे? लहसुन प्याज का रेट सब मिल गए? कोई पैसा वैसा किसी ने लिया तो नहीं? कितनी लहसुन मिला आपको? 5 किलो। 5 किलो। अब की बार जो है लहसुन का बिया महंगा है, तो क्या लगता है कि ज़्यादा लोग जो खेती करना है वो अब की मतलब लगा पाएंगे कि नहीं, चूँकि महंगाई की वजह से? हाँ लगाएंगे, क्यों नहीं, क्या करेंगे। सरकार फ्री में बीज दे रहा है तो क्या लगता है सरकार सही काम? हाँ, तो सही कर रहे हैं। अच्छा सर, बीज को लेकर जो मारी मारा है, ज़्यादातर लहसुन का जो बिया है अब की बार महंगा है, जो किसान हैं वो खरीद नहीं पा रहे हैं। अब की बार किस तरीके से लहसुन का बिया दिया जा रहा है, कौन कौन से बिये आपके उद्यान विभाग में है पास में जो निःशुल्क दिया जा रहा है? जनपद में हकीकत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत हम लोग साग भाजी बीज, प्याज का बीज, रबी प्याज, मिर्च है, लहसुन है, इन सब के बीज निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे पास जनपद के लिए करीब साग भाजी का 175 हेक्टेयर, रबी प्याज 200 हेक्टेयर, मिर्च का 150 हेक्टेयर और इसी तरह लहसुन करीब 350 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष लगभग हम लोग अभी तक 1000 से अधिक किसानों को बीज वितरित कर चुके हैं और हम लोग लगातार इसका वितरण कर रहे हैं। अब की बार ज़्यादातर जो किसान आ रहे हैं वो कौन सा बीज ज़्यादा लेना पसंद कर रहे हैं? इस समय जो किसान आ रहे हैं, ज़्यादातर किसान जो है लहसुन की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में लहसुन महंगा है और उसको देखते हुए किसान जो है लहसुन की डिमांड अधिक कर रहे हैं। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, निवेदन है कि जो भी किसान भाई हमारे यहाँ से बीज प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारी जो विभागीय साइट है dbt.horticulture.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराए। कहीं कोई असुविधा है अगर, कहीं भी सेवा केंद्र से करा सकते हैं, और यदि कोई असुविधा है तो हमारे ऑफिस में आकर के वो हमारे जो फार्म है जो उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटो कापी, एक अपनी फ़ोटो लगा करके हमें दे दें, हम यहाँ ऑफिस से उनका पंजीकरण करा देंगे
और तुरंत जो है उनको बीज उपलब्ध हो जाएगा, सभी किसान ले जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब अभी कब तक चलेगा आपका ये जो बीज है, क्योंकि महंगा बीज है, लहसुन को लेकर बड़ी किल्लत रही, और आप उद्यान विभाग में बड़ी बात है कि कम से कम बीज किसानों को मिल रहा है, तो अभी कब तक मिलेगा? लहसुन के बीज के बारे में हम किसान भाइयों को अवगत कराना चाहते हैं कि इस समय उपयुक्त समय चल रहा है बुआई का, शीघ्र से शीघ्र बहुत समय से बीज आ गया था, किसान ले जा रहे हैं और हम लोग बांट रहे हैं, जो भी किसान है जल्दी से जल्दी अपना बीज लेकर के रोपाई कर लें। एक सप्ताह में मैं समझता हूँ कि अभी मौसम अच्छा है, रोपाई कर लें और अच्छा बीज है उनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कोई पैसे से पड़ रहे बीज का कि निःशुल्क दिया जा रहा है? ये योजना के अंतर्गत हमने बताया, ये एकदम हम लोग जो बीज दे रहे हैं निःशुल्क बीज दे रहे हैं, कोई पैसा किसी भी तरह का कोई धनराशि किसी से नहीं प्राप्त की जा रही है, निःशुल्क बीज हम लोग किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ, किसानों से अनुरोध है कि वो ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करा लें, हमारी साइट पर dbt.horticulture.in पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करा लें। थैंक यू।